कानपुर में नाबालिग बच्ची से पुलिस की बेशर्म बदजुबानी। गुंडे ने घर में घुसकर किया रेप का प्रयास, दारू से नहलाया। एफआईआर की जगह दरोगा बोला, जब एप्लीकेशन लाती है इनके साथ रेप ही होता है। एसपी ने शुरू कराई जांच, थानेदार बोला था चल मेरे साथ जीप में बैठ, तुझे पूरा कानपुर घुमाऊंगा, देखें तेरी मर्जी के खिलाफ कौन रेप करता है। कानपुर पुलिस लगता है महिलाओं बच्चियों के साथ अपराधों में खुद ही अपराधियों की हम सफर हो चुकी है। तभी तो वह थाने में बच्चियों से ऐसी असभ्यता की बातें करती है जिसे सुनकर ही शर्म आ जाए। कानपुर में एक गुंडे से अपनी इज्जत बचाती घूम रही एक नाबालिग बच्ची 50 दिन से थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय तक के चक्कर लगा रही है। गुंडा दो बार घर में घुसकर बच्ची से रेप के प्रयास कर चुका है, उसको सरेआम दारू से नहलाकर बाल घसीटते हुए मारता है। आरोपी के डर से घर वालों ने उसकी पढ़ाई तक छुड़वा दी, लेकिन चौकी इंचार्ज उससे कहते हैं, ये जब एप्लीकेशन लाती हैं, इनके साथ रेप ही होता है। सबसे शर्मनाक रवैया तो थानेदार दिखाता है, जो गुस्से में धमकी देता है, तू कितनी सुंदर है, चल बैठ मेरी जीप में, तुझे पूरा कानपुर घुमाता हूँ, देखता हूँ तेरी मर्जी के बगैर कौन तुझे छेड़ता है। लड़की की इन शिकायतों पर अब एसपी ने खुद जांच के आदेश दिए हैं। कानपुर एसएसपी के ऑफिस में अपने लंगड़े नाना और नानी के साथ आती 15 वर्षीय नाबालिग, ये कानपुर पुलिस की वो बेशर्म हकीकत है जिसे सुनकर ही शर्म आ जाए। इस बच्ची के साथ 15 जुलाई को काकादेव इलाके के दबंग गुंडे शनि ने घर में घुसकर रेप करने की कोशिश की, उसके कपड़े फाड़ कर दारू से नहला तक दिया, उसके शोर मचाने पर बाल घसीट कर मारा भी, लेकिन पुलिस ने ना उसकी एफआईआर लिखी ना गुंडे को पकड़ा, उल्टा सिर्फ मारपीट की हल्की धाराओं में केस दर्ज करके मामला ठंडा कर दिया। और हैरानी देखिए, लड़की जब शिकायत करने एसएसपी के यहाँ पहुँची तो थानेदार से लेकर चौकी इंचार्ज तक भड़क गए। नानी का आरोप है कि जब हम थानेदार कौशल के पास गए थे तो वह गुस्साते हुए बोले थे, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें लड़के छेड़ते हैं, बैठो मेरी जीप में, तुमको पूरा कानपुर घुमाता हूँ, देखें बगैर तुम्हारी मर्जी के तुम्हें कौन छेड़ता है। जबकि चौकी इंचार्ज रविशंकर तो कहते हैं, तुम जब भी एप्लीकेशन लाती हो रेप ही होता है। ये लड़की की परिचित ने रिकॉर्ड भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरटीआई न्यूज 24। कितनी बार एप्लीकेशन लेके गई हो अभी तक? ये 2 महीने से दौड़ी रही हूं। क्या कहा कि तुम्हारे साथ रेप होता रहता? रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास, रिकॉर्डिंग दीजिए वाली वाली रिकॉर्ड किया गया है, और उसमें सत्यता पाने पर तुरंत अभियोग दर्ज होगा, और जो लोग भी इस तरह के अगर कृत्य किए होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस कर्मियों के ऊपर तत्कालीन एसएचओ के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहना है? उसके लिए मैंने उनके परिवार को बता दिया कि अगर उनको किसी प्रकार का किसी के विरुद्ध कोई शक हो रहा है तो वो अभी वो दें, प्रार्थना पत्र दें, उसकी जाँच कर हमारे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय वैधानिक कार्रवाई उनके भी विरुद्ध करेंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।